आज दिल्ली में जो हालात है वो आप देख रहे हैं कि एक लाट साहब आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बताया है कि वो उनको भूत सवार है। वो कहते ना मैं संविधान मानता हूँ, मैं ना डीएमसी एक्ट मांगता हूँ, ना मैं नियमों परंपराएं मानता हूँ, मैं तो शासक हूँ। एक मुकुट जैसे लगा है, मुकुट उनके सिर पर रख दिया गया है, वो लेके घूम रहे हैं, मैं शासक हूँ। घबराए नहीं, बहुत सारे शासकों के भूत झाड़ू लेकर के जनता ने उतारा है, और ये झाड़ू वालों से आपका पाला पड़ गया है। आपका ये भूत उतारने का काम झाड़ू वाले करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो उपराज्यपाल हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आज के पहले कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा है। ना कहीं कभी विधायक रहे, ना कभी सांसद रहे, ना म्यूनिसिपल में कभी निगम पार्षद रहे, ना गांव के प्रधान रहे, ना बीडीसी रहे, ना ब्लॉक में रहे। यानी कि इनके पास जनता के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से काम चलता है इसका कोई अनुभव नहीं है। इनके पास कोई भी अनुभव नहीं है, और ना ही इनको दिल्ली के भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है कुछ, क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी नहीं है वो। और मैं पहले ही बता दिया, ये कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानता हूँ। कहते हैं कि भाई मैं संविधान में जो कहा गया है कि एड एंड एडवाइस से काम करेंगे मंत्रिमंडल के गवर्नर एलजी, कहते हैं हम उसको भी नहीं मानते। अध्यक्ष जी, गवर्नर के लिए संविधान में केवल लिखा गया है 239AA में कि आप लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तीन मामले आप देखेंगे। अब तीनों मामलों के हालत क्या है दिल्ली में आप देख लीजिए। अध्यक्ष जी, पीछे अभी आपने देखा, कल ही माननीय सदस्य गौतम जी ने और सारी सदस्यों ने इस बात पर बहुत चिंता व्यक्त की कि नशे की हालत क्या बढ़ती जा रही है दिल्ली में, ड्रग्स बिक रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एलजी साहब को अब क्या है उनके साठ गांठ ड्रग्स माफिया, उससे मुझे नहीं पता। ये अवैध तरीके से शराब का धंधा चल रहा है, उस पर क्या उनका साठ गांठ है ये हमें नहीं पता, उस पर क्यों नहीं बोलते। ये तो मामला उनके पास ही आता, सीधा संज्ञान में सीधा उनके पास आता है। अभी आपने देखा दिल्ली में एक निर्मम हत्या एक बेटी की, एक बहन की हो गई कंजावला में। वारियल जी साहब, कमाल है, मैं शासक हूं, आज तक उनको शर्म नहीं आई वहां पर एक बार जाकर के मृतक के परिवारों से मिलने का काम नहीं किया। अखिलेश जी, उस पर चर्चा बाद एक बार घटना स्थल पर नहीं गए। क्या शासक है, कमाल के शासक हैं। जो मामला आता है वो मामला देखेंगे नहीं, और जो मामला नहीं आता वहां टांग अड़ाएंगे। जहां चुनी हुई सरकार काम करती है लोकतांत्रिक तरीके से, वहां उसको काम को रोकने का काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मामला मैं बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आज दिल्ली में अराजकता का माहौल हो गया है। कोई भी अपने को, महिला, कोई बच्ची, कोई बुजुर्ग अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। आए दिन लूट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, चाकूबाजी हो रहा है, और यहां तक कि इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण क्या होगा, अभी दिल्ली पुलिस के एएसआई को भरे रोड पर के चाकू मार करके मार दिया गया। अभी तक गवर्नर साहब को छुट्टी नहीं मिला के जाकर के मृतक परिवार से जाके मिल ले। वारे गवर्नर साहब, कमाल है, क्या गवर्नर साहब है। जो मामला आता है उसको देखेंगे नहीं, टांग अड़ाएंगे, काम रोकेंगे, कहेंगे टीचरों को फिनलैंड नहीं जाने देंगे, उसके लिए फुर्सत है टांग अड़ाने के लिए। अखिलेश जी, कंक्लूड करिए प्लीज। बस एक मिनट और, देख जी, जमीन का मामला आता है, देख जी,
एक मैं नज़ीर देना चाहता था, गवर्नर साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जरा लोगों को पता चले, दिल्ली के लोगों को, ऐसा काम कर रहे हैं कि कमाल ही कर दिया। जो काम चल रहा है उसको रोकने का, और जो काम उनके पास है उसको नहीं करने का कसम खा के आए हुए हैं। दिल्ली में जहाँ के तहाज देखिए, जमीनों का मामला, DDA की जमीनें कब्जा हो रही हैं लगातार। इसी सदन के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने मामला उठाया और सदन ने कमेटी को रेफर किया और कमेटी ने सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के लोगों को वापस ला करके कब्जे से दिलाने का काम किया। जंगल की जमीन प्राइवेट आदमी के नाम चला जा रहा है। शामिलात देख के गांव की जमीनें दक्षिणी दिल्ली में वो एक आदमी के नाम चला जा रहा है। ये डकैती हो रही है जमीनों पर दिल्ली के लोगों के, और LG साहब सो रहे। कमाल के LG साहब है, वाह LG साहब कमाल है। अब हो गया, कंक्लूड कर, एक मिनट और लगेगा अध्यक्ष जी ने, अब कंक्लूड करिए प्लीज। अध्यक्ष जी का जो कारनामा है, एक मिनट और, 6 मिनट हो गए हैं अध्यक्ष जी ने। अध्यक्ष जी क्यों अपना तो काम कर नहीं रहे हैं। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों को स्वस्थ रखने के लिए योगा क्लासेस शुरू किया, उसको बंद कर दिया बारे LG साहब। जल बोर्ड में यमुना की सफाई के लिए STPs बन रहे हैं, सीवर लाइनें डाली जानी है, लोगों के ट्यूबवेल लगने हैं समर प्लानिंग के लिए, ट्रैंकर्स तक बंद कर दिया गया, पैसे बंद कर दिए गए। ये LG साहब का करामात है, जल बोर्ड ठप कर दिया इन्होंने 6 महीने से। लोगों के इलाज के लिए OPD काउंटर खोले गए थे, खूब चल रहा था जी 2012 से आज तक। इन्होंने कहा कि एक बीमारी आ गई है AR स्टडी, मैंने कहा कौन सा वायरस आ गया यार, AR करके एक वायरस आ गया। बोले इस वायरस ने सारा का सारा OPD काउंटर बंद कर दिया। पिछले 4-5 महीनों से किसी भी अस्पताल में OPD के काउंटर नहीं चल रहे। अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, BJP कार्यकर्ता इनके राज में डायरेक्ट इनको भगवान ब्रह्मा से इनको भविष्यवाणी आ जाती है, उनको निगम पार्षद बना देते हैं, ये हालत इनका। बुजुर्गों का पेंशन, जो लोग दवाइयां तक खाते हैं इससे, 4,10,000 लोगों का, दिल्ली के लोगों का पेंशन LG साहब के माध्यम से पिछले 5 महीने से नहीं मिले। अब जाकर के जब कमेटी ने बहुत आप और सदन ने जब संज्ञान लिया है, तब जाकर के उनको जो है उनको पेंशन मिल पाया। चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से डिरेल करने का काम LG साहब कर रहे हैं, मुझे शक है कि मेयर के इलेक्शन में भी पूरा का पूरा बहुत बड़ा गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। सदन संज्ञान ले और जिस तरीके से नियमों का धता बताते हुए निगम पार्षदों की नियुक्ति हुई है और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हुई है, उस पर तुरंत संज्ञान ले सदन और इसको निरस्त करने का काम करे। ऐसा व्यक्ति जो खुद ही केवल स्नातक है, कहते हैं हम तो बड़े पढ़े लिखे लोगों को देखना चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो स्नातक है, वो जो IRS है, मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों के काम को चेक कर रहे हैं। माननीय सदस्यों ने भी बोला, ऐसे LG साहब की मैं भर्त्सना करता हूं, उनको शर्म आनी चाहिए। चुनी हुई सरकार को काम करने दें, चुनी हुई सरकार के अधिकारों को वापस आने के लिए यह सदन कृतसंकल्प है। मैं आपसे माध्यम से चाहता हूं कि जहां भी जरूरी हो, जरूरी पटल पे रखा जाए कि चुनी हुई सरकार को LG साहब काम करने नहीं दे रहे हैं, उनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं और इसकी वजह से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। अध्यक्ष जी बहुत परेशान हैं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।